अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज हम बना रहे हैं बहुत ही मजेदार सा देसी घी के खोए का हलवा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको देसी घी निकालना सिखाया था, उसका जो खोया बच गया था आज उससे हम मजेदार सा हलवा बनाएंगे। जिसने देसी घी निकालने की वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक डाल दूंगी, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने लिया है देसी घी का खोया, साथ हमने लिया है 6 खाने के चम्मच आटे के, 4 खाने के चम्मच चीनी के और 4 खाने के चम्मच नीम गरम दूध के। तो चलिए जी बनाते हैं। सबसे पहले हमने फ्लेम ऑन करना है हाई टू मीडियम। उसके बाद हमने पैन को थोड़ा सा गर्म कर लिया था। उसके बाद हम इसमें आटा डाल देंगे और आटा डालने के बाद हमने इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा भूनना है कि थोड़ा बहुत इसका कलर चेंज हो जाए, ताकि आटे का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। मीडियम फ्लेम पे हमने 5 से 10 मिनट तक इसको अच्छे से भूना है, तो कलर इसका हल्का चेंज हो चुका है। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपना देसी घी का खोया। इसके पास डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि आटा और खोया एक सा हो जाए। जी फ्लेम हमने मीडियम रखनी है ताकि हलवा हमारा जले ना, और इसी स्टेज पे हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो जी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम 4 खाने के चम्मच चीनी ऐड कर देंगे। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी को आगे पीछे भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो खैर जी हमारी चीनी इसमें ऐड हो चुकी है और इसको भी हमने अच्छे से कर लेना है मिक्स। उसके बाद 4 खाने के चम्मच हमने इसमें नीम गर्म दूध ऐड करना है। बस जी इसको आप हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत ही यम्मी सा ज़बरदस्त सा ये हलवा बन के रेडी होता है, और होता भी बहुत ताकतवर है क्योंकि देसी घी का हलवा है ये। बस जी ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो जी हमने इसको जब तक पकाना होता है जब तक ये पैन को ना छोड़ दे और यकजान ना हो जाए। तो देख सकते हैं जबरदस्त सा देसी घी का हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको एक सर्विंग ट्रे में निकाल लूंगी। तो जी इसको आप वैसे भी खा सकते हैं, अगर आप इसकी टुकड़ियां बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं। तो जी मुझे तो टुकड़ियां बनाना बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, तो जी मैं वैसे ही बनाऊंगी। तो मैंने एक सर्विंग ट्रे में इसको अच्छे से सेट कर लिया है। तो बस जी सेट करने के बाद हमने थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेना है। उसके बाद हमने इसकी टुकड़ियां कट कर लेनी है, लेकिन आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी कट कर सकते हैं। तो जी देख सकते हैं हमारा देसी घी का हलवा बड़ा जबरदस्त रेडी हो चुका है। जी ये दिखने में ही नहीं खाने में भी बहुत लाजवाब होता है। तो इस रेसिपी को आप लोग जरूर ट्राई करेगा, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए जी इसको हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। तो जी आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त सा खस्ता सा हलवा बनकर हमारा रेडी हुआ है। और जी अगर हम तोड़ेंगे भी तो बिल्कुल भी ये चूरा चूरा सा नहीं हो रहा है। तो जी अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो जी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।